गाइस व्हाट्स अप, आज हम जा रहे हैं डीएवी स्कूल जहाँ पर मैं पढ़ती थी और मेरे भाई बहन भी वहीं से पढ़े हैं सब। तो दिखाते हो तुम्हें कैसा था स्कूल। जो लोग फतेहाबाद से हो यार, उनको तो पता ही है कि बिगर रोड पे है स्कूल। तो हम उसी तरफ जा रहे हैं स्कूटी पे बैठ के, रूपान जी और मैं, और साथ में कुमकुम। और ये हम पहुँच के स्कूल के बाहर। यार मेरे को तो वो टाइम याद आ गया जब रोज़ सुबह बस पर चढ़ के इतनी ठंड में स्कूल आना पड़ता था। ये एरिया तो स्कूल का अभी भी वैसा का वैसा ही लग रहा है यार। ये देखो यार, ये स्कूल की एंट्रेंस कितनी ज़्यादा सुंदर है यार, कितनी ज़्यादा सुंदर है। मूवी का सेट लग रहा है पूरा। पर मेरी क्लासेस यहाँ पर नहीं लगती थी, मेरी क्लासेस आगे लगती थी, वहाँ दिखाती हूँ अगर, मतलब पता नहीं जाने देंगे या नहीं। जाना तो क्यों नहीं देंगे यार, फीस भरी थी मैंने इस स्कूल में इतने साल, अब नहीं भरी है तो मतलब क्या हुआ। पहले तो इतने साल भरी थी, लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट थी वो मेरी। ये यार अभी बना लगता है, ये नहीं था मेरे टाइम पे। ओहो ये तो पूरा नया बन गया यार, मुझे तो कुछ याद भी नहीं आ रहा। सीढ़ियाँ थी यार हमारी बारी में शायद, यहाँ पे पूरा रेनोवेट हो गया है, कुछ भी नहीं पहचान में आ रहा। पता नहीं टीचर्स भी होंगे क्या नहीं। यार लगती थी यार हमारी टेंथ की क्लास है ना, याद है यार तुम्हें, जो लोग देख रहे हो टेंथ वाले, ये रूम था ना शायद, यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता था शायद सीढ़ियाँ। चलें उधर देखें क्या है, पूरा ही नया हो गया यार ये तो। लग ही नहीं ना मैं अपने स्कूल में आई हूँ यार। क्या है ये तो भाई, यहाँ नहीं पढ़ती थी मैं। हाँ ये वाला एरिया मुझे याद है, यहाँ मैं लास्ट टाइम भी आई थी। लास्ट टाइम मैं स्कूल आई थी जब मेरी एक गेट टुगेदर थी, लेकिन वो रात को थी तो ये कुछ पहचान में ही नहीं आया, दिख ही नहीं रहा था कुछ भी। ये कैंटीन है क्या यार, देखो लग तो ये कैंटीन ही रही है, बट मेरे टाइम में ऐसी नहीं होती। तो इसके पीछे जनरेटर रूम होता था भाई साहब। फाइनली मेरे को ग्राउंड मिल गया यार। ओहो ये जगह वैसी की वैसी है, बाकी सारा स्कूल बदल गया यार। जब मैं बहुत ही छोटी होती थी ना, मेरी मैम ने बुलाया मेरे को, पूछा ये क्या है, मैंने बोला नंदीगढ़ है ये, क्योंकि मैंने मंदिर से सीख लिया था यार, शिवलिंग के आगे बैठे होते हैं नंदीगढ़। तो मैम बोल रही ओक से, मैं बोल रही नहीं नंदीगढ़ है, मेरे घर वालों ने सिखाया भाई। यार इस ग्राउंड से ना मेरी एक दो नहीं मतलब बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। एक दिन क्या हुआ, हम ना यहाँ पे बास्केटबॉल खेल रहे थे और जो हमारी क्लास के बॉयज़ थे वो क्रिकेट खेल रहे थे। तो मेरा ध्यान पूरा बास्केटबॉल में, मेरे को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है आसपास, क्या चल रहा है क्या नहीं, कि बॉल आके मेरे इधर बजी इतनी जोर की, मतलब मैं बेहोश ही नहीं हुई, बस ऑलमोस्ट हो चुकी थी, बस हुई नहीं, बच गई। और इतनी जोर की लगी थी ना यार, तब भी सर्दियाँ थी। और मैंने सोचा यार इससे अच्छा तो मैं क्लास में बैठ के पढ़ ही लेती, जो नोट्स नहीं कंप्लीट वो ही कंप्लीट कर लेती यार। बहुत ही उल्टा पड़ गया कि ग्राउंड के एंड तक आ गया यार मैं बात करते करते। ग्राउंड के एंड की एक और बात बताती हूँ। देखो क्या हुआ, ये है स्कूल है ना, यहाँ पे हमारी एक रेस हुई, वहाँ से रेस स्टार्ट हुई और यहाँ पे रेस ख़त्म होनी थी, ठीक है। तो इतना माड़ा दिन था ना यार उस दिन, इतना माड़ा दिन था बताती हूँ। तो जब हमारी रेस स्टार्ट हुई, रेस वहाँ से स्टार्ट हुई, संजोग सर थे, तो क्या हुआ हमें वहाँ पे एक लाइन सी पे खड़ा कर दिया सबको, रेडी स्टडी एंड गो। तो सब भाग लिया, मैं भी भाग ली, चलो ठीक है। मैं मिडवे भी नहीं पहुँची थी, मैं बताती हूँ, मतलब रात दिखाती हूँ उधर। मैं ना यहाँ तक पहुँचूँगी, ये जो सामान पड़ा ना बीच में, यहाँ तक पहुँचूँगी, मैं ना गिर गई। अब मैं गिर गई थी, मैंने सोचा कोई बात नहीं यार उठ जाते हैं, मतलब ठीक है कोई बात नहीं, मतलब तब सब वहीं पे थे। मैंने कहा यार अभी तो बहुत रास्ता पड़ा है, जीत जाएंगे। मैं खड़ी हुई, मैं भाग रही थोड़ी 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 भाग रही हूँ भाग रही हूँ भाग रही हूँ, इतना भी नहीं भागी थी, आगे बताती हूँ। तो मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँची और यहाँ पर मैं फिर गिर गई। तो बहुत बुरा लगा यार, बेइज्जती सी फील होने लग गई। मैं कहा यार कोई बात नहीं, अब वापस भी तो कैसे जाऊँगी, मतलब तो ठीक है चली जाती हूँ। मैंने देखा आसपास अभी भी पेड़, मतलब मैं गिरी थी ना तो पीछे से एक दो लोग आ रहे थे, मैंने बोला चल ठीक है यार अभी भी चांस है, भव्या खड़ी और भाग। मैं भागने लगी फिर से, उसके बाद यहाँ से मैं शायद यहाँ तक पहुँचूँगी, ये वाली नहीं ये वाले खड्डे तक पहुँचूँगी यार, ये वाला। मैं फिर गिर गई। पता नहीं उस दिन क्या हुआ था, मतलब मेरे को तो ऐसे लग रहा है मेरी स्कर्ट अट रही थी पैरों के बीच में, या शूज़ अच्छे नहीं होंगे, जो भी, मतलब मैं मानना नहीं चाहती कि मैं गिर रही थी। उसके बाद तुम सोचो क्या हुआ, तो ना मेरे को क्या दिखा कि ना सब लोग आगे चले गए, मतलब मैं नीचे गिरी हूँ सब लोग आगे चले गए। तो मुझे क्या लगा कि यार सब लोग आगे चले गए, मेरी बेइज्जती करने वाला पीछे तो कोई है ही नहीं। तो मैं फिर से खड़ी हुई और उस टाइम ना मैंने लगी थी बड़ी जोर की, घुटना छिल गया था मेरा ऊपर से।
मैं कहा बेइज्जती नहीं फील करनी यार, खड़ी हो, भाग लेते हैं, सब तो आगे चल गए, तेरे को देखने वाला कौन है पीछे, किसको क्या पता तू गिरी है, वो तो अपना सब भाग ही जा रहे हैं। मैंने खड़ी हुई पीछे से, संजोग सर आगे, संजोग सर कहते हैं बेटा रहने दे कोई बात नहीं, ओ हो, मैं कहा और भी लोग थे पीछे, शिट। बड़ा ही फनी सीन था यार वो मेरी लाइफ का, जो मैं आज तक नहीं भूली। और भी बहुत सारे थे यहाँ पे, हमें प्रेयर करनी पड़ती थी और मैं उसमें बिल्कुल नहीं इंटरेस्टेड होती थी, और मैं आंखें खोल के देखती रहती थी कि सब, मतलब होता है ना यार जब सबको बोलते हैं आंखें बंद करो और किसी ने तो खोली होती है, तो मैं ऐसे ऐसे देखती रहती यार कौन है मेरे जैसा और जिसने खोल रखी है। और मैं बड़ी शरारतें करती थी यार, मैं बड़ी शरारती लड़की थी स्कूल में ही, और मैं नेल पेंट लगा के आती होती थी, अभी भी लगा रखी है। नेल्स रखने का मेरे को बड़ा शौक था लंबे लंबे, फिर मेरे को ग्लव्स डाल के रखने पड़ते थे, ग्लव्स डालना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन प्रेयर में मेरे को ग्लव्स डाल के आना पड़ता था क्योंकि मेरे को अपने नेल्स छुपाने होते थे, पता नहीं क्या करती रहती थी। मेरी क्लास होती थी ये वाली और यहाँ से सीधा खेत दिखता था बाहर, और मेरे को इतने मजे आते थे ना यार। मैं किस टाइप की होती थी क्लास में, मैं ना हाय हाय क्या है भैया, बढ़ाने तो यार आप तो रोज आते हो, मैं तो कभी कभी आती हूँ, कभी कभी मेरी माता पता नहीं कितने साल बाद आई हूँ यार मैं स्कूल में, ट्वेल्थ के बाद शायद सीधा डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेने आई होंगे, ऐसे घूमने फिरने नहीं आई। बात बताती चुप हो गई। मैं पता स्कूल में किस टाइप की होती थी, मेरी ये क्लास होती थी जो मेरे ऊपर है, और ना मैं बार बैठ के खेत देखती रहती थी सारा टाइम, या फिर मैं ये सोचती रहती थी यार कि अगर स्कूल में टेररिस्ट आ गए तो फिर क्या करेंगे, कैसे बचाएंगे सबको, या फिर जब मैं वो डिजास्टर मैनेजमेंट वाली बुक होती थी हमारी वो पढ़ लेती थी ना, अर्थक्वेक आता है तो टेबल के नीचे छुप जाता है, मैं डिसाइड करती मैं कौन से बेंच के नीचे छुपूंगी, कौन सा ज़्यादा सेफ है। क्लास देख क्या हूँ यार, अगर क्लास देखना पॉसिबल है तो। ये इनका फ़ोटोशूट चल रहा है क्लासेस में, और ये हमारा कॉरिडोर यार बड़ा ही सुंदर लग रहा है। स्कूल वैसे पूरा खाली है यार, और मेरे को ज़्यादा पहचान में भी नहीं आ रहा, ऐसा नहीं था जब मैं यहाँ पढ़ती थी, बट फिर भी एक होता है ना अपने अपने वाली वाइब आती है कि हाँ यार हमारा स्कूल, तो बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है। बैठी मैं थोड़ी देर यहाँ पे, हम देखती हूँ वापस जाएंगे, सब कुछ बदल गया यार, शायद हम भी। अब वापसी बिना हम ये सोच रहे हैं यार घर जाने से पहले ना ट्रफल खा के चलते हैं बिग फॉर यू से। ये रहा बेक फॉर यू और अब हम खाएंगे ट्रफल, ये। और यार देखो वीडियो अच्छी लगी ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और स्कूल की याद आई ना तो मैं भी थोड़ी सी तो कमेंट करके बता देना, तो मेरे क्लासमेट थे, सीनियर थे, जूनियर थे, जो भी, लेट्स कनेक्ट अगेन एंड किसी दिन गेट टुगेदर भी प्लान करेंगे बड़ी सी अगर हो पाया तो। फिलहाल के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, बाय।